अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के जीवन पर बन रही बायोपिक फिल्म कई दिनों से चर्चा में बनी हुई है, जहां अब तक फिल्म के लीड एक्टर को फाइनल नहीं किया गया है, तो वहीं इस बायोपिक फिल्म का टाइटल सारे जहां से अच्छा रखा गया है। सबसे पहले इस फिल्म में राकेश शर्मा के रोल के लिए आमिर खान का नाम सुनने में आया, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी होने के कारण आमिर खान ने शाहरुख खान के नाम को सजेस्ट किया, लेकिन शाहरुख ने भी इस फिल्म से अपना नाम वापस कर लिया। और शायद फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 के कारण किंग खान ने इस फिल्म के लिए अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। और अब ताजा रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ रॉय कपूर ने अपने इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए सलमान खान को प्रस्ताव दिया है। खबरों की माने तो कुछ हफ्ते पहले ही सिद्धार्थ ने सलमान खान के साथ मीटिंग की है और इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत भी की है। दरअसल इस फिल्म को बनाने के लिए मेकर्स ने बहुत बड़ा बजट बनाया है, इसलिए वो चाहते हैं कि लीड एक्टर के लिए वो एक ऐसे चेहरे को कास्ट करे जो अभी के दौर के लीडिंग एक्टर्स में से एक है। वहीं सलमान खान ने इस फिल्म के नरेशन को सुनने में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है। वहीं सलमान को फिल्म का कॉन्सेप्ट भी पसंद आया है, लेकिन फिल्म सारे जहां से अच्छा में काम करने के लिए अभी भाईजान ने कुछ भी नहीं कहा है। वेल, अभी इस फिल्म में एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा के किरदार के लिए किसे फाइनल किया जाएगा उसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए फैंस को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।